टोक्यो जापान की राजधानी, 12 मिलियन से अधिक लोगों का घर। पिछले 50 वर्षों में टोक्यो का आर्थिक आकार लगभग 100 गुना बढ़ा है। आर्थिक विकास के साथ कचरे की बढ़ती मात्रा, स्वच्छता प्रबंधन और कचरे में कमी सरकार, उद्योगों और जनता के लिए शीर्ष मुद्दे बन गए हैं। ये ग्राफ टोक्यो में ग्रॉस प्रोडक्ट की तुलना वेस्ट राशि से करता है। पहले अर्थव्यवस्था में वृद्धि के रूप में कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन 2000 के दशक के बाद से ये कम बनी हुई है। ये सरकार, उद्योगों और जनता का परिणाम है जो तीनों आर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यहाँ आप टोक्यो महानगर पर विशेष ध्यान देने के साथ वेस्ट मैनेजमेंट में जापान के अनुभव के बारे में जानेंगे। 1945 में प्रशांत युद्ध में अपनी हार के साथ टोक्यो पूरी तरह से जल गया और तबाह हो गया। जापान ने शून्य से पुनर्निर्माण किया था और वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ी चिंता का विषय था। युद्ध की समाप्ति के 15 साल बाद फिल्म रिफ्यूज एंड डेली लाइफ बनी। ये मूल्यवान फिल्म लगभग 50 साल पहले टोक्यो में वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति को दर्शाती है। 1900 में जापान ने कचरा सफाई कानून अधिनियमित किया, जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि नगर पालिकाओं को कचरे को संभालना होगा। लेकिन टोक्यो कचरे को संभाल नहीं सका क्योंकि युद्ध में बहुत सारी सुविधाएं और उपकरण तबाह हो गए थे और हर कोई अपने जीवन को फिर से शुरू करने के प्रयासों में बहुत व्यस्त था। उस समय आम तौर पर दो पहिए की गाड़ियों का उपयोग करके कचरा एकत्र किया जाता था। निवासी हर गली के कोने पर स्थित अपने घरेलू कचरे और कचरे के डिब्बे को हाथ में ले जाकर फेंक दिया करते थे। फिर सफाई कर्मी कूड़े दानों से कचरा उठाकर दो पहिए की गाड़ियों से ट्रांसफर स्टेशनों पर पहुंचाया करते थे। दुनिया की क्षति से उबरने के बाद अधिक से अधिक लोगों के टोक्यो में आने के साथ ये अक्षम संग्रह विधि बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कचरे के साथ काम नहीं कर सकती थी। टोक्यो में लोग प्रतिदिन नदियों और अन्य स्थानों पर कचरा फेंक रहे थे। वेस्ट डिस्पोजल टोक्यो में कचरे की बढ़ती मात्रा की रफ्तार को मैच नहीं कर सका और खाली पड़ी जगह कचरे से भरने लगी। फेंका गया कचरा सड़ने लगा, जिससे गंध निकलने लगी और मक्खियों के लिए एक आदर्श आश्रय बन गया। जब ये मक्खियां अंडे देती हैं, तो अंडे केवल 12 घंटों में लार्वा में बदल जाते हैं। रसोई के कचरे पर भोजन करने वाले लार्वा केवल 10 दिनों में एक वयस्क में विकसित हो जाते हैं। एक मक्खी का जीवन काल लगभग 1 महीने का होता है। वो अपने जीवन में 3 या 4 बार, एक बार में लगभग 50 से 100 अंडे देती है, तो मक्खियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। मक्खियां, कॉकरोचेस और चूहे कई प्रकार के रोग जनकों जैसे डिसेंट्री बैसिलस और टाइफॉइड बैसिलस को संचारित करती है। कीटों और चूहों को भगाने के लिए पूरे टोक्यो में एंटीसेप्टिक्स का छिड़काव किया गया। ১৯৫০ के दशक की शुरुआत में मानव मल के साथ साथ घरेलू कचरे के मुद्दे भी थे। मानव मल के बजाय केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अधिशेष मानव कचरे को नदियों में फेंक दिया जाता था। 1954 में नए सार्वजनिक सफाई कानून ने
ये निर्धारित किया कि नगर पालिकाओं को ठोस कचरा और मानव मल एकत्र करने और उन्हें एक स्वच्छ तरीके से निपटाने के लिए बाध्य किया गया। कचरे को इकट्ठा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों और अधिक दक्षता के लिए दो पहिया गाड़ियों के बजाय ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल किया जाने लगा। कचरा ट्रकों को 1958 में पेश किया गया था और ट्रक के अंदर एक तंत्र का उपयोग करके कचरे को लोड करने के दौरान कचरे को कंप्रेस करके सड़क पर बिखरने से रोका जाने लगा। बाद में अधिक सैनिटरी और कुशल मैकेनिकल गार्बेज ट्रक्स धीरे धीरे पेश किए गए। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ इंसिनरेशन कचरा निपटान का पसंदीदा तरीका बन गया। ये रिफ्यूज एंड डेली लाइफ नामक फिल्म में दिखाया गया 50 साल पहले का एक उन्नत कचरा इंसिनरेशन सुविधा थी। जब कोई ट्रक आता है तो निगरानी कक्ष से दूर से कचरा बंकर का दरवाजा खोल दिया जाता है। इंसिनरेशन सड़े हुए कचरे के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकने में मदद करता है और ठोस कचरे की मात्रा को राख में जलाकर बहुत कम करने में मदद करता है। कचरे की मात्रा को कम करने और युद्ध से पहले वाले समुचित निस्तारण के लिए सॉर्टेड कूड़ा कलेक्शन का पुनः विस्तार किया गया। 1955 में कचरे में कमी और रीसाइक्लिंग अभियान शुरू किया गया था। ग्रुप कलेक्शन पूरे जापान में एक आम तरीका बन गया, जिसमें कागज, कपड़े, धातु और बोतलों जैसे रीसाइक्लेबल योग्य कचरे को एकत्र किया जाता है और फिर जंक डीलरों द्वारा खरीदा जाता है। 1960 के दशक में सड़कों के किनारे के कचरे के बिन्स में निपटान से लेकर कंटेनरों का उपयोग करके कचरा संग्रह पद्धति को बदलने के साथ सड़कों का दृश्य एक मुद्दा बन गया। 1964 के ओलंपिक ने जापान को अप्रत्याशित उछाल का अनुभव दिया और टोक्यो नाटकीय रूप से बदल गया। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला हाई स्पीड रेल शिनकानसन के निर्माण के साथ एक्सप्रेसवे का सुधार प्रारंभ हुआ। इस उच्च आर्थिक विकास ने जापान में जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया। शहर बढ़े और साफ सुथरे होते गए, हालांकि कचरे की मात्रा में लगातार वृद्धि होती गई। कचरे का लैंडफिल निपटान, जिसे जलाया नहीं जा सकता था, समुद्र के किनारे लैंडफिल साइट पर मक्खियां प्लेग का कारण बन बैठी। उस समय जापान के हर घर में मक्खियां रहती थीं। मक्खियों की भारी संख्या ने युमेनोशिमा के आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या पैदा कर दी। सभी लोग मक्खियों को भगाने में लगे थे, जबकि सरकार एंटीसेप्टिक के छिड़काव में लगी हुई थी। अंत में द्वीप पर सभी कचरे को जलाकर युमेनोशिमा में स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्रैटेजी की रणनीति को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें टापू के सारे कचरे को जलाया जाना था। इस अनुभव ने सैनिटरी लैंडफिल की शुरुआत की। उच्च आर्थिक विकास के साथ जापान ने कचरे के संबंध में गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना शुरू कर दिया, जैसे वायु प्रदूषण, जो कि कूड़े में मौजूद भारी मात्रा में प्लास्टिक के जलाए जाने और गाड़ियों के उत्सर्जन से, और जल प्रदूषण, जो कि लैंडफिल में खतरनाक औद्योगिक कचरे के डंपिंग से उत्पन्न हुई थी। 1970 के डाइट सेशन को पोल्यूशन डाइट कहा गया,
वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून और जल प्रदूषण नियंत्रण कानून सहित 14 कानून बनाए गए। सार्वजनिक सफाई कानून को पूरी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक सैनिटेशन एक्ट में संशोधित किया गया था। ये कानून नगर पालिका के ठोस कचरे के लिए जनता की जिम्मेदारी और औद्योगिक कचरे के लिए व्यवसाय की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है।1971 में टोक्यो के गवर्नर ने टोक्यो के कचरे पर युद्ध की घोषणा की। जिस वार्ड में फाइनल डिस्पोजल साइट स्थित था, वहां के स्थानीय निवासियों ने अन्य वार्ड से ठोस कचरा स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जहां नए इंसिनरेशन प्लांट के निर्माण में देरी हुई थी। अंत में स्थानीय अधिकारियों ने कचरे को स्वीकार करने से इनकार करने का फैसला किया। लेकिन इस गंभीर संघर्ष में जिस बड़े पैमाने पर उत्पादन और बड़े पैमाने पर खपत के नए युग और कचरे की बदलती प्रकृति और मात्रा से निपटने वाले युद्ध के रूप में जाना जाता है, सरकार को इंसिनरेशन सुविधाओं को बढ़ाने और आधुनिक बनाने की तत्काल आवश्यकता का सामना करना पड़ा। नए इंसिनरेटर्स में स्क्रबर्स का इस्तेमाल हुआ, जो चिमनियों से निकलते सूट और चलते प्लास्टिक से निकलती हाइड्रोजन क्लोराइड को रोकने में सक्षम है। इसके अलावा सभी प्लांटों के बाहर एक एग्जॉस्ट गैस स्टेटस पैनल स्थापित किया गया, जिससे निवासियों को पर्यावरण की वास्तविक जानकारी लगातार मिलती रहे। मॉनिटरिंग और इंसिनरेशन के ऑटोमेशन में भी काफी सुधार हुए। उच्च क्षमता वाले डस्ट कलेक्टर और खुशबू वाले यंत्रों के इस्तेमाल से जलाने की प्रक्रिया काफी सुरक्षित और साफ सुथरी होती गई। स्थानीय निवासियों की समझ प्राप्त करने के लिए गर्म पूल और ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन्स जैसी सुविधाओं को स्थापित किया गया था, जो इंसिनरेशन से निकलने वाली गर्मी का उपयोग कर सके। 1973 में जापान ने एक अविस्मरणीय घटना का अनुभव किया, तेल संकट। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण केवल ऊर्जा ही नहीं, हर चीज में कीमतों में वृद्धि हुई। जापान की जीवन शैली, जो पूरी तरह से आयातित तेलों पर निर्भर थी, उसको एक गंभीर झटका लगा। इस अनुभव ने लोगों को सिखाया कि जापान बहुत ही सीमित प्राकृतिक संसाधनों वाला देश था, और इस स्थिति ने सभी को रीसाइक्लिंग एंड रीयूज के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। 1990 के दशक में जापान एक आर्थिक शक्ति बन गया, जिसे गंभीर औद्योगिक कचरे के अवैध निपटान का सामना करना पड़ा। बेईमान व्यापारिक फर्म्स द्वारा भारी मात्रा में ऑटोमोटिव कचरा और तेल के ड्रमों को अवैध रूप से अंतर्देशीय सागर में एक द्वीप पर फेंक रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप डायऑक्सिन जैसे खतरनाक पदार्थों का रिसाव हुआ था। बाद में पूरे देश में इसी तरह की अवैध डंपिंग पाई गई। इसके अलावा इंसिनरेशन संयंत्रों में अनुचित प्रबंधन से डायऑक्सिन के उत्सर्जन का पता चला और इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में मान्यता दी गई। सरकार ने कई बार वेस्ट मैनेजमेंट और सार्वजनिक सफाई कानून में संशोधन किया, जिसमें अवैध रूप से डंप की गई फर्म्स के लिए अनिवार्य बहाली को शामिल करना और डायऑक्सिन उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष उपायों से संबंधित कानून भी शामिल किए गए। टोक्यो में कचरे के आगे नियंत्रण पूरी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल प्रणालियों में सुधार को प्रोत्साहित किया गया। इसने टोक्यो लॉ का रास्ता साफ किया, जिसमें उद्योगियों को कचरे का डिस्पोजल करने और अंतिम कचरा निपटान के उचित प्रबंधन की पुष्टि के लिए निर्माण कार्य का आदेश देने वाले व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा।
हालांकि वेस्ट मुद्दे विविध हैं और वास्तविकता ये है कि कानूनी संशोधन और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं अक्सर पीछे रह जाते हैं। नतीजतन कठोर नीतियों की मजबूत मांग होने लगी। कचरे के बड़े पैमाने पर निपटान को अब आर्थिक विस्तार के नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाने लगा। जापान को एक सुचारू वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए रखने में कठिनाइयां थीं, फिर भी कानून में सुधार करने और रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के निर्णय लिए गए। टोक्यो के चारों ओर के उद्योगियों ने संसाधनों की रीसाइक्लिंग करना शुरू कर दिया। बेकार टायर एक प्रकार का कचरा है जिसे किसी भी देश में डिस्पोज करना मुश्किल है, लेकिन बेकार टायरों के लिए कटर्स की शुरुआत ने उन्हें ईंधन के रूप में उपयोग करना संभव बना दिया। ये जापान का सीमेंट प्लांट है। हर साल लगभग 30 मिलियन टन वेस्ट जैसे बेकार टायर का उपयोग सीमेंट और ईंधन के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है। ग्राउंड वेस्ट टायरों को डामर मेटल प्लेटिंग के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटल प्लेटिंग फैक्ट्रियों में लिक्विड वेस्ट डिस्पोज की समस्या का सामना करना पड़ता है कि कैसे भारी धातुओं से युक्त स्लज को कम से कम किया जाए। जवाब में 8 कारखानों ने संयुक्त रूप से क्रोमियम जैसी भारी धातुओं के लिए एक ट्रीटमेंट सुविधा का निर्माण किया, जिसे एडवांस्ड प्रोसेसर के उपयोग से वेस्ट लिक्विड से एकत्र किया जा सकता था और वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरेलू उपकरण के रीसाइक्लिंग प्लांट्स में रीयूजेबल भागों को पहले अलग किया जाता है। फिर उन्हें ग्राइंडर में डाल दिया जाता है और रीयूज उपयोग के लिए लोहे एल्यूमिनियम प्लास्टिक तांबे और अन्य सामग्रियों में अलग कर दिया जाता है। ये एक कार नष्ट करने वाला यार्ड है। यहाँ गाड़ियाँ 65 मीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे बढ़ाई जाती हैं। क्रेन द्वारा कारों को कन्वेयर बेल्ट पर रखे जाने के बाद लोहे के अलावा भागों को एक के बाद एक कारों से अलग किया जाता है। केवल बची हुई लोहे वाली कारों को एक प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है। प्रोसेस्ड आयरन 97% शुद्ध होता है और स्टील बनाने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कचरे की मात्रा को कम करना सबसे महत्वपूर्ण है। कचरा प्रबंधन के मुद्दों को सरकार, जनता और उद्योगों द्वारा एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे तुरंत और अकेले सुलझाया जा सकता है। आपकी जागरूकता को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। जापान में स्कूली शिक्षा में वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखना शामिल है। छात्र इंसिनरेशन फैसिलिटीज पर जाकर वर्तमान स्थिति के बारे में जान सकते हैं। सफाई कर्मचारी पर्यावरण शिक्षा भी प्रदान करते हैं, जैसे कचरे को छांटना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम मौजूद हैं, जैसे कि एक शहर में भाग लेने वाले बच्चों का कचरा उठाने का अभियान। इस तरह के अध्ययन प्रयास भविष्य में एक अधिक ठोस समाज स्थापित करने में मदद करेंगे। जापान में सरकार, जनता और उद्योगियों के सहयोग से कचरे की मात्रा को कम करने का प्रयास किया है।
अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए जापान अब तकनीकी सहायता के माध्यम से वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग कर रहा है, जैसे कि जापान में प्रशिक्षण और विदेशों में पेशेवरों को भेजना, उपकरण और सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और अन्य तरीके। कुल मिलाकर जापान तहे दिल से 3 R's का हमेशा प्रचार करने वाला देश बन चुका है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इस प्रयास के बावजूद टोक्यो में जल्द ही कचरा भर जाएगा और टोक्यो को खाड़ी में शेष एकमात्र लैंडफिल का उपयोग करना होगा। 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग कुछ भी नहीं से फिर से शुरू करने और अपने वर्तमान के प्रति जागरूक समाज की स्थापना करने का जापान का अनुभव दुनिया के कई क्षेत्रों के लिए एक संदर्भ के रूप में काम कर सकता है। इस अनुभव को एक साथ साझा करके हम कचरे के मुद्दे को हल करने और बेहतर भविष्य का आनंद लेने के लिए एक तेज तरीका खोजने में सक्षम हो सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए जापान को उम्मीद है कि उसका अनुभव मददगार साबित होगा।